कंपाउंड के मैकेनिज्म का वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो आपका जो यहाँ से रिएक्टेंट है वो होता है ये वाला, ठीक है, ये हो गया आपका डाइएस्टर। डाइएस्टर को हम इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी, एंड यहाँ पे भी क्या आएगा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी आएगा। ना जब सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही होती है, तो सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो सोडियम का काम क्या होता है, देखो जब भी रिएक्शन में रिडक्शन में आप मेटल यूज कर रहे हो तो ऑलवेज मेटल का एक ही फंक्शन होता है, टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से सोडियम है वो भी यही करने वाला है, टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन वाले बॉन्ड्स का क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। यहाँ से इन वाले बॉन्ड्स का होमोलिटिक क्लीवेज होता है, वन इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन, वन इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन, ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन, वन इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन। ना सोडियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा इस वाले ऑक्सीजन को, एंड दूसरा सोडियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है टुवर्ड्स दिस ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बन कार्बन रेडिकल्स हम वो मिलके बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं, एंड यहाँ से जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो आपको कुछ इस टाइप से ऑब्टेन होता है, ठीक है। कार्बन कार्बन ने मिलके बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली, अब कार्बन कार्बन ने मिलके जो बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली तो यहाँ पे और क्या बचता है, तो और बचता है आपका ओ निगेटिव, इधर भी कौन बचता है, ओ निगेटिव बचता है, यहाँ पे कौन है, ओ ई टी है, यहाँ पे भी कौन है, ओ ई टी है। इतनी चीज क्लियर होगी, यहां तक का क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या करोगे कि यहां से सोडियम है उसने एक एक इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर किए थे, ऑक्सीजन को ट्रांसफर किए थे, ऑक्सीजन पे आ गया था नेगेटिव चार्ज। ना यहां से ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका डिलोकलाइजेशन फिर से करा दो किधर, ऑक्सीजन की तरफ करा दो, तो यहां से माइनस क्या हो जाएंगे, टू ओ ई टी माइनस हो जाएंगे, ठीक है। माइनस क्या होता है यहां से, माइनस टू ओ ई टी नेगेटिव, टू एथॉक्साइड आयन्स हैं वो यहाँ से माइनस होते हैं, एंड डाइकेटोनिक कंपाउंड की यहाँ से फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन किसकी हो गई, डाइकेटोनिक कार्बन की हो गई, डाइकेटोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन है वो हो जाती है। अब डाइकेटोनिक कंपाउंड जो यहाँ से फॉर्म हुआ है उसका अगेन क्या करो, यहाँ से इन वाले बॉन्ड्स को फिर से शिफ्ट कर दो टुवर्ड्स ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड जाते हैं तो दोनों के दोनों जो कार्बन हैं इन पे आएंगे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, एंड कार्बन पे चार्ज कौन से आ गए, पॉजिटिव चार्ज आ गए। अब यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोनों कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई कैसे किया जाए, तो उसके लिए देखो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी होती है, तो उसके लिए देखो क्या करना है, अगेन दो सोडियम के साथ में रिएक्शन कराओ, ठीक है, दो सोडियम के साथ में रिएक्शन कराओगे दोनों सोडियम पे एक एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये वाला सोडियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को देगा और ये वाला सोडियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को देगा। तो जैसे पॉजिटिव चार्ज पे एक इलेक्ट्रॉन देते हो तो वो किसकी फॉर्म में जाएगा, रेडिकल की फॉर्म में जाएगा। ना यहाँ से ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल दोनों मिलकर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन है वो कर लेते हैं, तो किस टाइप से होती है रिएक्शन, देखो ये वाला था आपका निगेटिव, ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है, इस वाले ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन आया इस वाले कार्बन पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन आया इस वाले कार्बन पे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मिलकर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ से कर लेते हैं। इतना होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको रिएक्शन है वो किसके साथ में करानी है, जो ऑक्सीजन है इसका क्या करा दो, हमें यूज कौन सा कर रहे हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से इसकी रिएक्शन है वो करा दो TMSCl के साथ में, ठीक है। ये अपना क्या होता है, ट्राई मिथाइल सिलाइड क्लोराइड होता है, ठीक है, सॉरी टेट्रा मिथाइल सिलाइड क्लोराइड होता है, टेट्रा मिथाइल सिलाइड क्लोराइड होता है, जो कि आपका एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है। तो यहां से Cl है वो तो माइनस होगा और TMS है वो कहां पे ऐड हो जाएंगे, इन वाले ऑक्सीजन पे ऐड हो जाएंगे, तो यहां से फॉर्मेशन होती है नेक्स्ट स्टेप में OTMS की। अब क्या करोगे, अब हम कराएंगे इसका डिप्रोटेक्शन। पहले हमने क्या कराया, प्रोटेक्शन कराया, डिप्रोटेक्शन जो अपना सिलाइल ग्रुप होता है उसका डिप्रोटेक्शन के लिए हम यहाँ से फ्लोराइड डोनर है उसका यूज कर लेते हैं, तो हमने यूज किया TBAF। ये क्या होता है, फ्लोराइड डोनर होता है, F नेगेटिव डोनर होता है, F नेगेटिव डोनर की प्रेजेंस में TMS है उसका डिप्रोटेक्शन वो बहुत ही इजीली यहाँ से हो पाता है। तो आफ्टर डिप्रोटेक्शन यहाँ से फॉर्मेशन होती है इन डाइओल की, ठीक है, आफ्टर डिप्रोटेक्शन यहाँ से फॉर्मेशन किसकी हो गई, इन डाइओल की फॉर्मेशन होती है, ये होता है आपका इन डाइओल। अब इन डाइओल पे क्या होता है, टोटेमराइजेशन रिएक्शन होती है, इन डाइओल पे होती है टोटेमराइजेशन रिएक्शन। टोटेमराइजेशन रिएक्शन है वो किस टाइप से होगी, सो देखो इन डायोल है इसका आपको क्या करना है, यहाँ से ये वाले डबल बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से ये कहाँ पे शिफ्ट करे, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में। जैसे यहाँ पे बॉन्ड्स की शिफ्टिंग होती है तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट कहाँ पे करेगा, इस वाले कॉर्नर वाले ऑक्सीजन पे, इस वाले कॉर्नर वाले ऑक्सीजन पे आएगा निगेटिव चार्ज, एंड इस निगेटिव पे यहाँ से जो एच पॉजिटिव जा रहा है वो आके एड करेगा। सो देखो एट द फाइनल स्टेप यहाँ से प्रोडक्ट ये वाला फॉर्म होता है, यहाँ पे कौन आया, डबल बॉन्ड आया, यहाँ पे कौन है, हाइड्रोक्सिल है, ठीक है, यहाँ पे कौन है, हाइड्रोक्सिल है। अब जैसे ही डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई तो इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के साथ में कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, इस टाइप से लिख सकते हो, डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये क्या होता है आपका, एसाइलियन होता है,
ठीक है, ये क्या होता है, एसाइलिन होता है जो कि रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो जब भी आप एस्टर्स का रिडक्शन कराते हो विद सोडियम इन एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, तो यहाँ से जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो आपका एसाइलिन होता है। मैकेनिज्म मैंने आपको बता दी। दूसरा जो कंपाउंड लिया था हमने, दूसरी जो रिएक्शन ली थी उसकी भी सेम ही मैकेनिज्म होने वाली है। सिर्फ यहाँ पे आपको जो कार्बन नंबर है वो चेंज करना है। ग्रुप तो दोनों में एस्टर थे और एस्टर पे सेम ही रिएक्शन है वो लगने वाली है। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो, देन मैं लास्ट जो मैकेनिज्म है ब्रो ब्लैंक रिडक्शन वो एक्सप्लेन करती हूँ। हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है जो लास्ट आपका रिडक्शन मैकेनिज्म बचता है एस्टर्स में, वो आता है ब्रो ब्लैंक रिडक्शन। सो नेक्स्ट इज ब्रो ब्लैंक रिडक्शन। ब्रो ब्लैंक रिडक्शन इसका देखो बोलते हैं ब्रो ब्लैंक रिडक्शन, और जो इसका स्पेलिंग होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। तो यहाँ से क्या लगता है, बोवियर ब्लैंक रिडक्शन लगता है, बट ये एक्चुअल में ब्रो ब्लैंक रिडक्शन ही होता है। ठीक है, यही होता है इंग्लिश का पंगा, लिखा कुछ और होता है बोला कुछ और ही जाता है। ठीक है, तो ये आपका होता है ब्रो ब्लैंक रिडक्शन। ब्रो ब्लैंक रिडक्शन में आपको करना क्या है, अगेन आपकी एस्टर्स की रिडक्शन होने वाली है। सो देखो एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं, CH3CH2 होल ट्वाइस COOC2H5। रिएक्शन है वो अगेन किसके साथ में करानी है, सोडियम के साथ में करानी है, इंजाइलिन करानी है, बट इस बार ही आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, एल्कोहल यूज करना है। ठीक है, इस बार ही क्या यूज करना है, एल्कोहल यूज करना है। एंड लास्ट स्टेप पे आपको क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस कराना है। इस वाली कंडीशन के साथ में जब आप रिडक्शन रिएक्शन कराते हो तो ये वाला आपका कौन सा होता है, ब्रो ब्लैंक रिडक्शन होता है। एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, सो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन विल बी एल्कोहल एंड दैट इज योर 1 डिग्री एल्कोहल CH2OH। ये यहाँ से रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है। मैकेनिज्म है वो क्या होगी, तो मैकेनिज्म देख लेते हैं। चलो सिंपल सी मैकेनिज्म है, कोई बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है मैकेनिज्म में। CH3CH2 होल ट्वाइस COOC2H5। यहाँ तक का क्लियर है ना। देखिए रिएक्शन में कौन आ रहा है, सोडियम आ रहा है। तो सोडियम जहां कहीं भी आता है तो सोडियम का फंक्शन एक ही होता है, टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा, कहाँ पे करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ से क्या होने वाला है, इस वाले बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होगा, कार्बन पे रेडिकल की फॉर्मेशन होगी, एंड ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से वन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, ये भी तो हो रहा है। तो यहाँ से फॉर्मेशन होती है CH3CH2 होल ट्वाइस C। कार्बन पे कौन सा, कार्बन पे कौन है, रेडिकल है ना। यहाँ से सिंगल बॉन्ड से कौन है आपका, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे OC2H5। इतनी चीज क्लियर है। इसके बाद क्या करना है, हाइड्रोजन, ठीक है, हमने क्या लिया है, इथेनॉल लिया है रिएक्शन में। इथेनॉल क्या करेगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर करेगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर करेगा, तो वो प्रोटॉन कहाँ पे आएगा, इस वाली पोजीशन पे आएगा। सो यहाँ से जो नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो होगा कुछ इस टाइप से, CH3CH2 होल ट्वाइस COH। ना कार्बन पे अभी भी रेडिकल ही चल रहा है, और यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी हो जाती है, OC2H5 की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, फिर से रिएक्शन में कौन आएगा आपका, सोडियम आएगा। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस बार कहाँ पे करेगा, टुवर्ड्स कार्बन करेगा। कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कार्बन पे चार्ज कौन सा आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, CH3CH2 होल ट्वाइस C नेगेटिव। ठीक है, C नेगेटिव OH OC2H5। नाउ अगेन रिएक्शन में कौन आएगा, इथेनॉल आएगा। इथेनॉल विल ट्रांसफर द प्रोटॉन। सो यहां से जो रिडक्शन का प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3CH2 होल ट्वाइस CH3CH2 होल ट्वाइस CHOH OC2H5। CHOH OC2H5। Now we know that during the reduction of ester, aldehyde also formed. So यहाँ से ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, माइनस होगा यहाँ से इथेनॉल, ठीक है, माइनस क्या होगा, इथेनॉल होगा। एंड फॉर्मेशन किसकी होती है, CH3CH2 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड OH। माइनस इथेनॉल तो हो गया, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल होगा तो फॉर्म हो गया। नाउ अगेन इस वाले पे रिएक्शन होगी, तो अगेन इस पे रिएक्शन होगी, तो सोडियम इन जाइलिन एंड साथ में क्या लेना है, इथेनॉल लेना है। अगेन इसी प्रोसेस के साथ में रिएक्शन प्रोसीड करेगा, तो ये कन्वर्ट किसमें होगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट CH3CH2 होल ट्वाइस CH2OH। And this is alcohol, 1 degree alcohol and final product of Bouveault Blanc reduction. ये होता है आपका Bouveault Blanc
रिडक्शन करना क्या है, इनिशियली आपको यहाँ पे सोडियम लेना है। सोडियम पहले जब भी देखो मेटल के प्रेजेंस में रिडक्शन करा रहे हो तो ऑलवेज क्या कर लो, कार्बोनिल बॉन्ड का होमोलिटिक रिलीज कर लो। आफ्टर दैट आपको क्या कराना होता है, पहले सोडियम एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज प्रोटोन डोनर आएगा, ऑक्सीजन पे प्रोटोन आएगा, देन यहाँ से रिएक्शन में दूसरा सोडियम आता है जो कि इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है, कार्बन गेट्स नेगेटिव चार्ज एंड ऑन नेगेटिव इथेनॉल ट्रांसफर प्रोटोन। सो यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं। आफ्टर दैट यहाँ से एलिमिनेशन ऑफ C2H5 होता है, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, एल्डिहाइड पे अगेन सोडियम एंड ज़ाइलिन एंड इथेनॉल की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो यहां से 1 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन है वो हो जाती है, एंड ये आपका रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है। एंड ये था आपका रिडक्शन ऑफ एस्टर्स। रिडक्शन ऑफ एस्टर्स में इसके बाद कुछ भी नहीं बचता। देखो एक बार मैं आपको क्विक समरी करा देती हूं कि हमने क्या-क्या किया है रिडक्शन ऑफ एस्टर्स में। रिडक्शन ऑफ एस्टर्स में समरी मैं कहां पे बताऊं, यहां पे ऊपर बता देती हूं, ठीक है। देखो पहला है वो हमने किसे किया था, बाय LiAlH4 किया था। दूसरा है वो किससे किया था, LiAlH4 से किया था, तो यहाँ पे जो रिएक्शन का प्रोडक्ट था वो क्या था आपका, ऑलवेज अल्कोहल था। सेकंड था वो हमने यहाँ से किया था बाय डाइबल के साथ में 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे अल्कोहल एंड -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे एल्डिहाइड, ठीक है। डिफरेंस समझ आ गया, डाइबल व्हेन रिएक्ट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देन इट गिव्स अल्कोहल एंड व्हेन इट रिएक्ट एट -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देन गिव्स एल्डिहाइड, ये यहाँ से होता है, ठीक है। साइक्लिक एस्टर्स का हमने किया, साइक्लिक एस्टर्स में हमने अल्कोहल एल्डिहाइड की फॉर्मेशन की थी जो कि आपका हेमी एसिटाइल होता है। उसके बाद साइक्लिक एस्टर्स का हमने दो स्पेसिफिक रिडक्शन किए हैं, पहला हमने किया था एसाइलियन मेथड से और दूसरा हमने किया ब्रो ब्लैंक मेथड से। इतना ही किया है रिडक्शन ऑफ एस्टर्स में, इसके बाद कुछ नहीं बचता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एसी डेरिवेटिव बचते हैं, जैसे आपका एमाइड बचा है अभी, रिडक्शन ऑफ एमाइड वो करना है, रिडक्शन ऑफ एसाइल क्लोराइड करना है, दो आपके एसी डेरिवेटिव और बचते हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद आपके जैसे हाइड्रोजन का रिडक्शन बचता है, ऑक्सिम्स का रिडक्शन बचता है एंड एपॉक्साइड का रिडक्शन बचता है। सो अभी रिडक्शन में काफी कुछ बचा है, ऑलमोस्ट हाफ पार्ट ऑफ रिडक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। सो जो बचा हुआ है उसे भी जल्दी कंप्लीट करते हैं एंड आप लोग पढ़ते रहिए एंड कोई भी प्रॉब्लम होती है सो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।